टीकमगढ़ के भगत नगर कॉलोनी में तीन आरोपियों ने घर में घुसकर एक युवक की कपड़े उतारकर जमकर मारपीट की और आरोपियों ने ही मारपीट का वीडियो खुद ही बना लिया और वायरल कर दिया। घटना के बाद पुलिस ने मामले को संज्ञान में लेते हुए जांच शुरू कर दी है। टीकमगढ़ में अपराधियों के हौसले इतने बुलंद हैं कि सरेआम घर में घुसकर मारपीट कर रहे हैं और दहशत फैलाने के लिए खुद ही वीडियो बनाकर वायरल कर देते हैं। यह मामला देहात थाना क्षेत्र के भगत नगर कॉलोनी का है, जहां की रहने वाली युवा के हरि ओम रावत और राजू पटेरिया जब घर में अकेले थे, तभी तीन आरोपी रतिराम रवि एवं जितेंद्र नय घर में घुसकर मारपीट की और कपड़े उतारकर और आरोपियों ने इन्हीं का वीडियो बना लिया, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। जैसे ही वीडियो वायरल हुआ तो पुलिस ने तुरंत मामले को संज्ञान में लिया और मामले की जांच शुरू कर दी है। पलेरा थाने में पीड़ित ने शिकायत की और तीनों आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया। वहीं पुलिस का कहना है कि आरोपियों की तलाश की जा रही है। कल एक सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल हुआ था जिसमें एक युवक के साथ मारपीट हुई थी, क्या मामला है सर, इसमें क्या कार्रवाई की जा रही है? सोशल मीडिया पर कल एक वीडियो वायरल हुआ था जिसमें एक युवक के साथ मारपीट हो रही थी, उसका पुलिस ने तत्काल संज्ञान लिया, उस पर अपराध पंजीबद्ध किया है और पुलिस आरोपियों की तलाश कर रही है, आरोपियों को शीघ्र गिरफ्तार किया जाएगा। थैंक यू। ठीक, टीकमगढ़ से यूडी न्यूज के लिए अरमान हफीज की रिपोर्ट।